अन्य पिछले वर्ग तुम्हारा सिक्स चैप्टर है अभी दलित वर्ग था कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे सेम सेम, टू बहुत सारी समानताएं इसमें मिलेंगी जैसे इस वर्ग में भी समाज के कमजोर वर्ग की श्रेणी ही आती है जैसे कि पता है कि भारत का एक तिहाई हिस्सा कृषि या फिर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जो भी शहर में या बड़े शहर में या फिर विदेशों में भी रहते हैं लेकिन उनकी जड़ें कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी होती है तो इसमें अन्य पिछड़े वर्ग का सबसे पहले अर्थ क्या होगा पिछड़ा वर्ग समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग के संदर्भ में यूज किया जाता है भारतीय संविधान के भाग सोलह सोलह याद करने वाली बात है संविधान के भाग सोलह तथा अन्य कुछ प्रावधानों में पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों शब्द का प्रयोग भी वहीं पर किया गया है किसमें भारतीय संविधान के भाग सोलह में पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियों जनजातियों भूमिहीन श्रमिकों तथा छोटे किसानों आदि को सम्मिलित किया गया है ये वे लोग हैं जो जाति व्यवस्था में ब्राह्मण से नीचे आते हैं किंतु अस्पर्श जातियों से ऊपर आते हैं डिवाइडेशन तो सोसाइटी द्वारा ही हुआ है ऐसा कुछ नहीं ऊपर ऊपर वाले ने भेज के भेजा है कि ये वो ब्राह्मण होगा ये सिख होगा ये ईसाई होगा कुछ भी नहीं सब डिवाइडेशन यहीं आके हुआ है भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक राजनीतिक कल्याण के लिए अनेक तरह के प्रावधान किए गए उनके आरक्षण व्यवस्था के लिए उनकी सुविधाओं के हिसाब से उन्हें आरक्षण भी प्रदान किए गए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें और अपने आप को सुदृढ़ बना सकें पिछड़े वर्ग शब्द का यूज सबसे पहले 1917-18 में किया गया उसके बाद सन उन्नीस सौ में किया गया उन्नीस में मद्रास के प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई जिसमें सौ से भी अधिक जातियों को सम्मिलित किया गया जोड़ा गया जिनकी कुल जनसंख्या मद्रास में लगभग पचास प्रतिशत थी सन 1937 में ट्रावन राज्य ने उन सभी समुदायों के लिए पिछड़े समुदाय शब्द का यूज किया जो आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे किसने किया सबसे पहले यूज 1937 में ट्रावन राज्य 1947 में बिहार में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई और अब यहाँ पे बिहार आ गया पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई बिहार सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद अध्ययन हेतु कुछ सुविधाओं की और घोषणा कर दी तो सबसे पहले यूज हुआ 1917-18 में पिछड़े वर्ग शब्द आया उसके बाद इसे 1930-31 में यूज किया गया उसके बाद मद्रास में 1934 में पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई जिनकी जनसंख्या वहां पर 50 प्रतिशत थी फिर 1937 में ट्रावन कोर राज्य ट्रावन कोर राज्य ने उन सभी समुदायों के लिए पिछड़ा समुदाय या पिछड़ा वर्ग समुदाय शब्द यूज किया अब है राजनीति कोष पिछड़े वर्गों को कैसे परिभाषित करता है तो परिभाषा के तौर पर एक परिभाषा दी गई है पिछड़े हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के उस वर्ग से है जो सामाजिक पहला पॉइंट आया सामाजिक दूसरा आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ हो या फिर निम्न स्तर पर हो उसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया जबकि संविधान में इस शब्द समूह का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ अनुच्छेद 16 4 तथा 340 में परंतु इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई थी संविधान में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पहले पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए किंतु अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भांति उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं गई की गई कुछ नियम तो बना दिए गए लेकिन आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई जाति के बारे में आंध्र आंध्र बेताई भी कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ मध्यम कृषक भी थे जिनके पास बहुत ही कम भूमि थी या फिर मजदूरी का भी काम करते थे तो आंध्र बेताई तुम्हारी सोशोलॉजी के एक किसान सोशोलॉजिस्ट या फिर ग्रामीण सोशोलॉजिस्ट के रूप में आते हैं तो इसीलिए इनका सबसे पहले नाम आया आंध्र आंध्र बेताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार मानते हैं आंध्र बेताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार मानते हैं कि जो किसान है आज भी खेती कर रहा है वो पिछड़ा हुआ है क्योंकि आज भी सुबह लोग उठते हैं नहाते हैं धोते हैं अपने ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाके शाम को आते हैं उनकी दिनचर्या उनकी लैंग्वेज उनकी बॉडी सेंस काफ़ी हद तक अच्छी और वेल हो जाती है लेकिन एक कृषक का काम वो अन्नदाता है अन उगाता है लेकिन उसका दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है कि अगर खेत से सबसे पहले उठेगा अपने खेत का राउंड लगा कर आएगा और अगर ये छोल का मौसम चला होता है जैसे अभी ठंडी में भरी ठंडी में आप अपनी रजाई से निकाल निकलना पसंद नहीं करेंगे लेकिन वो खेत में जाएगा और भरी ठंड में छोल छोलेगा जानते हो छोल क्या होती है हाँ कुछ जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं या फिर गांव से आते हैं वो जानते हैं अदरवाइज नहीं जानते जो गन्ना होता है ना गन्ने को साफ करना और उस गन्ने से अपने जानवरों के लिए खाना निकालना प्लस जो शुगर बनती है उसके लिए गन्ना अलग करना गन्ने को साफ करके जानवरों के लिए खाने का पशुओं के लिए चारा अलग कर लेते हैं और गन्ने को अलग कर लेते हैं फिर उस गन्ने को बांधते हैं अलग 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 पार्ट्स में और उन उन्हें उठाकर फिर बुग्गी में भरा जाता है या फिर अब थोड़े और उन्नत हो चुके हैं तो ट्रैक्टर लगा देते हैं ट्रैक्टरों में भरा जाता है लेकिन वो ढोते सर पर ही हैं फिर उठाएंगे फिर रखेंगे पूरी की पूरी ट्रॉली भरेंगे और तब शहर को जाएंगे उसे सेल करेंगे सेल में भी आज भी तुमने देखा होगा मिलों में शहर में खड़ी होती हैं बुग्गियाँ लाइन लगा के खड़ी होती हैं अभी प्रतापुर की साइड से मैं आई तो उधर की जो ये प्रतापुर वाली मिल है वहाँ पर कई सारी लाइनें हैं कम से कम बीस लाइनें हैं और सभी में बुग्गियों की लाइन खड़ी थी क्योंकि वो सुबह सुबह छोल आ चुके हैं तो इतनी मेहनत का काम होता है इसलिए आंध्रेताई ने किसान को पिछड़े वर्ग का सार माना के पिछड़ा वो पिछड़े वर्ग है पिछड़े वर्ग निश्चय ही उच्च जातियों से शिक्षा व्यवसाय और सरकारी नौकरियों में पीछे रहे हैं अब पिछड़े वर्ग को निर्धारण संबंध में यह धारणा है कौन सी धारणा है ये बोलते हैं जन्म या जाति के आधार पर नहीं है बल्कि अभी जो हमारे वर्तमान समय में जो स्थिति चली हुई है जो सामाजिक स्थिति चली हुई है उस आधार पर पिछड़े वर्ग को निर्धारित किया गया है का अध्ययन दल तुम्हारे इसमें बुक में दिया हुआ है का अध्ययन दल के अकॉर्डिंग पिछड़े वर्गों में निम्नांकित वर्गों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया उनके ग्रुप ने कौन से कौन कौन से को दिया बहुत कम भूमि वाले किसान उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए भूमिहीन मजदूर जो मज, जिन मजदूरों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें पिछड़े वर्ग में रखा जाए बहुत छोटे दस्तकार जो काम कढ़ाई का या बुनाई का, का काम करते हैं उनको भी पिछड़े वर्ग में रखा जाए अनुसूचित जातियां, उच्च जातियों की गरीब महिलाएं, ऐसा है लोग जैसे विधवाएं, अनाथ वृद्ध तथा बेरोजगार आदि को अन्य पिछड़े वर्ग में रखा जाना चाहिए ये किसने कहा है जो रेणु का अध्ययन दल है जो उनकी रेणुगा की कमेटी थी उन्होंने कहा अब नेक्स्ट आता है 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ों पिछड़े लोगों के लिए कुछ सुविधाएं दी अन्य पिछड़े वर्ग में फिफ्टी सिक्स जनजात जातियों को शामिल किया गया बस इतनी सी बात याद करना मैं दोबारा से हाईलाइट रिपीट कर दे रही हूं तुम्हारे एक तो अन्य पिछड़ा वर्ग कब शब्द यूज हुआ 1917-18 में दूसरा हाईलाइट 1934 में मद्रास में 1937 में ट्रावन इन दोनों को भी भूल जाओ तो 1937 में ट्रावन राज्य में ठीक है उन्नीस में बिहार में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना हुई इन सब को भी भूल जाओ तो यह हाईलाइट है उन्नीस में बिहार में पिछड़े वर्ग महासभा सं, महासंघ की स्थापना हुई ठीक है इतना तो याद रखोगे उन्नीस पिछड़े वर्ग महासभा महासंघ की स्थापना बिहार में आंध्र बेताई ने पिछड़े वर्ग को किसानों को पिछड़े वर्ग का सार माना पहला पॉइंट उन्नीस दूसरा आंध्र ने किसानों को हाँ किसानों को पिछड़े वर्ग का सार माना तीसरा रेणुका अध्ययन दल ने कौन कौन से सुझाव दिए कि किन किन लोगों को पिछड़े वर्ग में रखा जाना चाहिए और नेक्स्ट है 1948 में पिछड़े अन्य पिछड़े वर्ग में छप्पन जातियों को शामिल किया गया ये इसके हाईलाइट्स थे अन्य पिछड़े वर्ग की चैप्टर सिक्स की आज को यहीं पर क्लोज़ करते हैं